बाशा बासु और करण कुंद्रा की आई शामत। एक बार फिर सोशल मीडिया पर पड़ी इन्हें गालियां। एक बार फिर डिफेंसिव मोड में आया ये रोमांटिक कपल। और उसकी वजह है ये। इस ऐड कमर्शियल को करने के जितने भी बाशा और करण को पैसे नहीं मिले होंगे उससे ज्यादा तो गालियां मिल गई हैं। जैसे ही ये ऐड फिल्म हुई आउट और उसका प्रूफ है ये। जी हाँ, रिसेंटली एक कपल नजर आए कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करते हुए और इस ऐड फिल्म में उनके कुछ इंटीमेट मोमेंट्स को कैप्चर किया गया है और यही मोमेंट्स अब उनके लिए जी का जंजाल बन गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इस ऐड फिल्म को बुरी तरह से ट्रॉल किया गया है और ये है उसका प्रूफ। इसे उनके पैसों की जरूरत से जोड़ रहा है तो किसी ने तो इस एड फिल्म को ही वल्गर बता दिया है और किसी ने इस एड फिल्म को ब्लू फिल्म ही बना दिया। हालांकि खुद बिपाशा इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती और उन्होंने इसे सेक्स एजुकेशन की तरह लिया है। अकॉर्डिंग टू हर, इन ए कंट्री दैट हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वी स्टिल हैव टैबूज ऑन जस्ट द वर्ल्ड सेक्स एंड कॉन्डम्स, बट नॉट द एक्चुअल एक्ट। लेट्स टॉक मोर, रीड मोर एंड लर्न मोर अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कैन बी अवॉइडेड जस्ट बाय द यूज ऑफ सिंपल प्रिकॉशन। विद कॉन्डम्स यू कैन हैव प्लान प्रेगनेंसीज एंड प्रोटेक्टेड सेक्स व्हिच कैन कर्ब एचआईवी एंड एसटीडी केसेस। एज अ कपल वी बिलीव इन दिस, दैट्स व्हाई वी हैव थॉटफुली एंडोर्स्ड इट। बिपाशा का ये भी कहना है कि इंडिया जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री में आज भी सेक्स को टैबू की तरह लिया जाता है और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ही उन्होंने एज ए कपल इस एड फिल्म को करने का डिसीजन लिया।